तो मैं डेली यहाँ पे आया करता था, पर मैं सोचता कि किन्हीं लोग का पर्सनली घर होगा ये, पर मुझे पता नहीं चला। तो आज बारिश होने के कारण मैं अंदर घुस गया, यहाँ पे बैठा, तो मेरे को कुछ अलग ही यहाँ का जो सोचे थे ना उसका ऑपोजिट हुआ। यहाँ पे मतलब आश्रम के तरह है। तो वही एक अंकल जी अपने साथ है जिनका नाम स्वामी अमितेश जी हैं, तो उनसे मिलवाते हैं। उन्होंने पर्सनली अपने स्टाइल में कविता लिखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लिखते हैं। मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज में लिखे थे? हिंदी या मैथिली? हिंदी में लिखते हैं। तो सोचे, बातचीत किए, बातचीत करने के बाद ही तो कुछ पता चलता है। उसी तरह बातचीत किए तो उन्होंने बताया बहुत कुछ, मेरे को दिल से पर्सनली अच्छा लगा, तो उनसे आपको मिलवाना चाहते होते। देख सकते हो मेरे साथ बैठे हैं, मतलब वहाँ पे एक बार हाई कोई दिए तो हाई कोई ना। तो वही आज आपको अच्छे तरह से कविता इन्होंने आज ही लिखे हैं, ठीक, तो आज सुनाएंगे। तो आप लोग सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कैसा लगेगा कमेंट कीजिए। गुरु पूर्णिमा, मेरी यह कविता गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लिखी गई है, जो 23 तारीख और 24 तारीख को आने। गुरु पूर्णिमा एक दिवस है संकल्प का, श्रद्धा कल्प का, विश्व के समस्त गुरुजन के प्रति कृतज्ञता, आभार व आदर गल्प का। वे जिन्होंने हमें मूर्त किया तन में, मन में, विज्ञान में, जिन्होंने हमें मंत्र दिया कर्म में, विचार में, ध्यान में, हम उनकी आराधना करें, आचरण की साधना करें, गुरु दिवस के आलोक में सकल वरीय की अभिवंदना करें। आओ मिथिला दीप निकल अपने गेह से, उनकी सेवा करो जिन्होंने पाला स्नेह से, दो वचन हम सेवक हों सकल वृद्ध के, सच्चे अनुयायी बने राम कृष्ण और बुद्ध के, सच्चे अनुयायी बने राम कृष्ण और बुद्ध के, हरिओम। इस कविता के द्वारा हमारे यही एक संदेश है मिथिला के समस्त दीपों से कि आप आइए और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे यह संकल्प लीजिए कि हम अपने समाज में जो भी वृद्धजन को देखते हैं, बूढ़े लोगों को देखते हैं, अपने माता पिता को, दादा दादी को देखते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कुछ प्रण लीजिए। वही गुरुजन हैं, वही ने हमें जन्म दिया है, उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दी है। तो ऐसे जो भी आपके गुरुजन हैं, चाहे वो आपके माता पिता हों, गुरु हों, भाई बंधु हों, चाचा चाची हों, दादा दादी हों, उन सब की सेवा करने के लिए मिथिला के युवक युवती आगे आए और अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण से मुक्त हों। कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब की हम सेवा करें, यही संकल्प लें, हरिओम। बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ जाना, और इस जगह पे डेली आता था, पता नहीं था यहाँ पे क्या कैसे होता है, पर आज पता चल गया। सर जी कविता के साथ साथ बहुत ही बड़े काम कर रहा है अपने समाज के लिए, गाइस दिल से अच्छा लगा। सर जी थैंक यू सो मच, किसी को पता नहीं था इन्होंने मतलब एक अपना आश्रम, आश्रम का नाम क्या है? श्री कपिल आश्रम। यहाँ पे आश्रम भी चलाते हैं, मतलब विद जो सेशन प्लस होता है ना, जिनका मेडिसिन नहीं हो पाता है, जो घर पे बराबर खाना नहीं खा पाता है, ऐसे लोग को यहाँ पे आकर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, सेवा करना। तो मुझे बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिला कि मेरे को प्राउड हो रहा है कि मेरे गांव में भी ऐसे डिपार्टमेंट या इस तरह का संसद है। प्राउड ऑफ क्या, सही लग रहा है, बहुत कुछ सीखे। मुझे भी बहुत खुशी हुई विष्णु जी, आपकी जो सोच है, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी पढ़ाई, हमारे गांव से एक ऐसे नवयुवक जो आधुनिक विचारों से सज्जित हैं, जो कि बहुत सारे सामाजिक मुद्दा पे उन्होंने हमसे चर्चा की है, हमसे जिज्ञासा की कि आप अध्यात्म के बारे में कैसे आए, क्या है, तो ये सब जानने की इच्छा, इनकी क्रिएटिविटी देख करके मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई विश ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। थैंक यू सो मच, बस मेहनत करना है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा गाइस, दिल से पर्सनली बहुत ही खुश हूँ मैं। जैसे जैसे बातचीत करूँगा ऐसे ऐसे आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल अभी टाइम शाम के टाइम हो चुका है, क्लाइमेट भी अपने तरह सेट हो चुका है, और यहाँ पे भी मैं अपने तरह से सेट हो रहा हूँ, धीरे धीरे कुछ अलग चीज़ जानने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए कोई एज, कोई टाइम, कोई चीज़ का लिमिट नहीं होता है। जहाँ जो कुछ ज्ञान मिलता है वहाँ से उठाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो आप इनका लोगो देख सकते हो, और आज अपने साथ गुरु जी लोगो के बारे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये लोगो देखिए, पंचभुज है ना, पांच कोण है, ये पांचों भुजा जो है ना वो पंचभूत के प्रतीक है। हम लोग कहते हैं ना क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रतिथि आधम शरीर, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इस चारों चीजों को ये दिखा रहा है कि ये पंचभूत है, ठीक है। और पंचभूत में ये देखिए सांप है, सांप जगी हुई है, मतलब ये
कुंडली शक्ति है। हर एक मनुष्य के अंदर में कुंडली शक्ति होती है जिसको जगाना पड़ता है। अगर वो जग गई तो समझिए आप, आपकी आध्यात्मिक चेतना जग गई। ये आप अंदर में सांप है, इसको आप फील करेंगे। तो ये जगी हुई सांप जो है वो भगवती की कुंडली शक्ति की प्रतीक है। और यहाँ देखिए एक हंस है जो उड़ता हुआ है। ये हंस हृदय में रहता है। जब आप ध्यान करेंगे तो इस हंस को देखेंगे। हंस आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा फिर जब कुंडली शक्ति जगती है तो आत्मा मुक्त होती है। आत्मा मुक्त आसमान में विचरण करने लगती है। इसके अगल बगल में देखिए ये चंद्रमा है और ये सूरज। तो सूरज और चंद्रमा जो है ना वो दाहिने और बाएं तरफ के नाड़ी के प्रतीक है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जिसके द्वारा हमारा मन बुद्धि, जैसे बाई नाड़ी जो है ना वो कला की नाड़ी है, भावना की नाड़ी, और दाई नाड़ी जो है वो बुद्धि की, विचार की नाड़ी, विज्ञान की नाड़ी। और इन दोनों के बीच में एक तारा को देखते हैं, ये ब्रह्म की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके द्वारा आप ध्यान में इस तारा को देखेंगे। और ये तारा आप ऐसे उठेगा, इसी तारा को देखते देखते कुंडली शक्ति जगती है। ये ध्यान का विषय है। और यहाँ देखिए ये वेद में लिखा हुआ है, ओम गंग ब्रह्म खंग ब्रह्म। इसका मतलब हुआ, गंग मतलब होता है ये आनंद ही ब्रह्म है। जो हमें आनंद आ गया ना आज आपसे मिलकर, आनंद आया इसमें, मतलब आत्मा का आनंद है, ठीक है। और खंग ब्रह्म, ये जो आकाश है ना, आकाश जैसा ब्रह्म है, जिस आकाश में आप इसको देख रहे हैं, ये जो प्रतीक है इसमें आपको यही दिखाया गया कि आनंद का आकाश है जो आपके अंदर में है, जिसमें आत्मा मुक्त होगी, कुंडली शक्ति जगेगी और तीनों नाड़ी शुद्ध होगी। ये इस प्रतीक का आश्रय है। देख सकते हो इनका लोगों में ही इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो रियल लाइफ में सोच सकते हो कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा गाइस। आप लोगों को बराबर अभी मैं घर के बाजू में ही जो भी कुछ होगा अपडेट देते रहूँगा, क्योंकि आजकल अपने समाज में सोशल वर्क करने के लिए नहीं है। और जो मुझे मिल रहा है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। जितना हो सके भले अपना टाइम देकर जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने का मौका दीजिएगा। बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, तो मतलब जब भी कुछ होगा तो अपडेट देते रहेंगे। और आप लोग को बताओ, ये मेरे घर के बाजू में ही था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे जग भी लगा था करीब 3-4 साल पहले, तो मैं अंदर नहीं आया करता था। मैं सोचता किन्हीं का पर्सनल घर होंगे तो नहीं जाना चाहिए। आज बारिश था, अंदर आया तो देख सकते हो बारिश ने आज मुझे क्या क्या सिखाया। तो आज के लिए इतना ही है। और आप लोग कुछ अलग तरह से कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए पर्सनली, और मुझे इंस्टा पे बात कीजिए, वहाँ पे पूरे अच्छे तरह से आप लोग को समझाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली। लव यू ऑल।